वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40, जो कि है साइंस के सब्जेक्ट की क्लास 9th की 5th ऑफ अक्टूबर की। ये वर्कशीट है हमारा अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 1 जो आ रही है वो 40th वर्कशीट है। आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इसकी डिटेल्स कहाँ पे यूज होता है, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे जो कि हम आगे देखेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर लें। इस तरह की और भी वर्कशीट जो है, जो वीडियोस हैं, वो हम बनाते रहते हैं। आइए चलते हैं वर्कशीट की तरफ। आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई भी चीज अगर मूव कर रही होती है, उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि अगर कोई चीज़ फोर्स हम लगाते हैं किसी चीज़ को मूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने अपने हाथ में मोबाइल उठा रखा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स उल्टी लग रही है, मतलब इक्वल लगती है। अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, आप उसको उठा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका जो फोर्स है वो उसके बराबर है या तो उसके कम है। अगर आप उसको उठा पा रहे हो तो सिंपल सा मतलब है उसका कि आपने जो ग्रेविटी है उससे ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाई है, तभी आप उठा पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अनबैलेंस्ड फोर्स का। बट वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट। कैन वी मेजर, लाइक क्या हम उसके अंदर जो फोर्स लगी है क्या वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं? आइए देखते हैं इसके बारे में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव टू लर्न द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज का जो मोमेंटम है, मोमेंटम आपको समझ में आ रहा होगा, जो चलने की जो स्थिति है वो अगर चेंज करनी है, वो किससे चेंज होती है, जो उसके ऊपर फोर्स लगा जा रही है उस पर चेंज होती है। एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, अगर आपने कैच करी हो क्रिकेट में, कभी आपने देखा होगा जो अच्छे फील्डर होते हैं वो फील्डर होते हैं जो बॉल को अपनी बॉडी के क्लोज लेकर आते हैं। मैं और एक एग्जांपल अभी दूंगा। तो आपने अगर जॉन्टी रोड्स हो गया या धोनी हो गया या कोई भी अच्छा फील्डर अगर आप देखें, तो जैसे कि आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है कि प्लेयर क्या कर रहा है, बॉल आ रही है, बॉल को सिर्फ यहीं पर कैच नहीं कर रहा, ऊपर हाथों में ही नहीं कैच कर रहा, वो अपने हाथों को नीचे लेकर आ रहा है अपनी बॉडी के पास। ऐसा क्यों करा जाता है, आप खुद भी ट्राई करना इस चीज को, कि अगर आप अपने हाथों को पीछे ना लेकर आओ, मतलब अपने हाथों को आप लूज ना छोड़ो और उसको वहीं के वहीं एकदम स्ट्रिक्ट रखो यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा, बॉल अपने आपके हाथों में लगेगी, ज्यादातर चांसेस क्या होंगे वहां से टकरा कर दूर वहां पे चली जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर बॉल अगर यहाँ से आ रही है आपके हाथों में आएगी जरूर, लेकिन यहाँ से जंप कर जाएगी। ठीक है, तो हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे साथ भी ये बहुत बार होता है जब हम अपने ये बेसिक्स अपने समझ नहीं पाते। तो जब हम बॉल को इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कराते हैं अपने हाथ को, तो बेसिकली आपने क्या कर रहा है, एक मोमेंटम उसको धीरे धीरे रुकने दिया है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी अगर जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक कार है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो आप अचानक से ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा, आपका पूरा इनर्शिया आगे चले जाएंगे और आप अपनी गाड़ी के शीशे को तोड़कर आप बाहर निकल जाएंगे। तो वेरस हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं ताकि आपको कुछ ना हो, गाड़ी को मेजर उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। कभी ना कभी आपने ब्रेक अचानक से लगाई होगी तो आपको वो झटका सा महसूस जरूर हुआ होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, मोमेंटम राइट की तरफ जा रहा था, आप एकदम पीछे की तरफ चले गए। आइए चलते हैं आगे, पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या है आगे। दिस लॉ गिव्स अ न्यू क्वांटिटी नोन एज मोमेंटम विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड मास। तो वेलोसिटी मतलब जो स्पीड है, उसके और मास के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं मोमेंटम। कैसे निकाला जाता है,
दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, हमने लास्ट वर्कशीट में इसके बारे में पढ़ लिया था। मैं चाहूंगा कि बच्चे आप अपने डेफिनेशन जो है हमें बताएं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अगर नहीं आता तो वो भी बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया है, आप रिवाइज करा दीजिए, तो हम आपको फिर दोबारा नेक्स्ट वर्कशीट में इसको समझा देंगे। रिप्रेजेंटेड बाय पी, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। द एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, जो उसका मास होता है इनटू उसकी वेलोसिटी होता है, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका मोमेंटम मिलता है हमें। इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इक्वेटिंग इट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें फोर्स कैसे मिलता है, जब हम इसको इक्वेट करते हैं मोमेंटम से किसको, द रेट ऑफ चेंज कितना बदल रहा है टाइम के साथ, उसको हम जब निकालते हैं तो मतलब इन हाथों को कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा इस बॉल को लगाने निकालने के लिए, रोकने के लिए बेसिकली, तो इसके अंदर जितनी वेलोसिटी अभी है और जब वो रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो उसके बीच में क्या चेंज आया, उस चेंज को हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स की मदद से। आइए चलते हैं उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे रखी है, समझ लेते हैं। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम का क्या हो गया, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। चेंज मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब रेट ऑफ चेंज हमने अभी पढ़ा था, रेट क्या होता है, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू अपॉन टी। तो फॉर्मूला देखो यही है, हम इसको यही यूज करते हैं। अब इसको कई बार हम इसको यूज करते हैं एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। वो कहाँ से आया, जो ए है उसका एक्सेलरेशन होता है वी माइनस यू अपॉन टी, उसकी जगह पे लिख दिया। बट आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ये आपको हेल्प करेगा। अब कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, इन अ स्पोर्ट्स ऑफ लॉन्ग जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल ऑन कुशन बेड और सैंड बैग बेड। देखो आपने कभी गद्दे पे अपना कूद के देखा होगा, कभी जमीन पे कूद के देखो, हड्डियां टूट जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो जमीन है वो अंदर की तरफ नहीं धंसती। कहने का मतलब है आप एक फोर्स एक वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहे हो और जो जमीन है वो आपको अचानक से बिना कुछ टाइम दिए आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो पे ले जाती है, तो वो बहुत ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करती है आपके ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात, आपके ऊपर बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होती है, तो उससे क्या होता है, आप देखो जमीन को तो कुछ होगा नहीं, अब कौन आया, अब आप पे फोर्स एग्जर्ट हुई, आपका मतलब हड्डियों पे बहुत ज्यादा एग्जर्ट हुई फोर्स, तो क्या होता है कि हड्डियां मूव कर जाती हैं, इसका मतलब उस पे फ्रैक्चर आ जाता है। अच्छा आपने बचपन में कोई गेम खेला होगा जो बैलून के ऊपर जो कूदते हैं या फिर गद्दे के ऊपर कूदते हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपने अगर नोटिस करा हो तो गद्दा क्या करता है, अंदर की तरफ जाता है धीरे से, तो आपको क्या करता है, फोर्स जो है वो कम एग्जर्ट करता है। तो उसी तरीके से कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ स्टोन इनटू विद अ सिंगल ब्लो, तो वो इसी वजह से कर पाता है क्योंकि वो मोमेंटम बहुत ज्यादा रखता है। ओके, फील्डर इन अ क्रिकेट ग्राउंड, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। कैच करते समय बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। देखो आपको लगता होगा बुलेट में बहुत ज्यादा जान होती है, इसलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है ताकि जिस वजह से सामने वाले बंदे को गोली लग पाती है। आप हाथ से मार के देख लो, फेंक के मार के देख लो, नहीं लगेगी। आपको याद होगा आपने बैलून वाला एक गेम खेला होगा जिसके अंदर छर्रे वाली बैलून बंदूक होती है ना, उससे हम बैलून फोड़ते हैं, तो वो किसी को नहीं मारनी चाहिए। क्यों नहीं मारनी चाहिए, उसमें भी बहुत ताकत होती है। एक्चुअल गन वाली नहीं ताकत होती, असली गन वाली ताकत नहीं होती, लेकिन वो जो गन की जो पावर है वो बॉल बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो मोमेंटम है जो फोर्स है वो बहुत ही
ज्यादा एग्जर्ट होता है, वो भी इसी वजह से, बिकॉज टाइम बहुत कम ले रहा है। आइए चलते हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पे जो पूरा पूरा दे रखा है आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लें। और एक चीज बताना है, यहाँ पे भूल गया कि जो न्यूटन है वो फोर्स का क्या है, एसआई यूनिट है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकंड, फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम से डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पर, इस वजह से। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ कार पार्क एट अ रोड साइड। देखो मोमेंटम का अभी अभी हमने पढ़ लिया है कि मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली मोमेंटम हो गया पी, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, पी मास इंटू एक्सेलरेशन बेसिकली, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम बोल सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, एम एक एम इंटू वी। तो मुझे आप बताओ कि यहाँ पर जब रोड के पार्क कर रखी है तो इसकी कितना हो गया, जीरो हो गया। अब मास जितना मर्जी हो, मास जितना मर्जी हो, तो आंसर क्या होगा, जीरो। तो मोमेंटम हो जाएगा जीरो, तो केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, तो मास दे दिया उन्होंने 100 kg मास, ठीक है, इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 8, इंक्रीज तो मतलब 8 क्या है, फाइनल है वी, और एम 5 क्या है, यू इनिशियल, और 6 सेकेंड मतलब टाइम। तो सब कुछ देखें पहले एसआई यूनिट में है या नहीं है, देखो केजी है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट, और सेकेंड भी एसआई यूनिट में है। तो अब उन्होंने क्या बोला है, फोर्स निकालने के लिए बोला है। तो फोर्स का मैंने आपको बोला था, फोर्स का फॉर्मूला आप याद रखें, एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी माइनस यू अपॉन टी, इसके अंदर हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, मास कितना है 100, ओके, वी कितना है 8 माइनस 5 अपॉन 6। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 6, तो 3 और 6 यहाँ पे कट सकता है, तो हम इसको काट देते हैं, यहाँ पर आ गया 2, यह है 1, ये 2, और ये 2 टाइम्स 1, और ये आया 50। तो आंसर क्या आ गया, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन बोलो या केजी पर मीटर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ ट्रक ऑफ 100 kg, तो ये हो गया मास, ठीक है, is moving with a velocity of 5, तो ये velocity दे दिया उसने, calculate momentum, और अभी भी हमने देखा था momentum निकालने का तरीका। तो momentum का हमें formula पता है, P equals to m into velocity, velocity हमारे पास mass कितना है 1000, ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, mass हो गया आपके पास 1000 और वेलोसिटी हो गया 0.5। मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1000, देखो 0.5 का मतलब होता है आधा, तो आंसर तो मुझे पता है इसका आधा होगा 500। अब आया कैसे वो मैं देख लेता हूँ, 5 अपॉन 10, अब 5 अपॉन 10 का मतलब हो गया 10, ये कट गया 0 से 0 कट गया, 5 × 100 500, और हम क्या निकाल रहे थे इसके अंदर, मोमेंटम निकाल रहे थे, ध्यान रखें, तो मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर उसने बोला है मोमेंटम की डेफिनेशन बताओ और उसका एसआई यूनिट बताओ। मोमेंटम की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है इस लाइन में,
मोमेंटम पी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. ओके, तो इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स. ये छोड़ देते हैं, ये मोमेंटम यहाँ तक हो गया. अब उसके बाद उसने SI यूनिट बोला था. SI यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. तो ये आप आंसर यहाँ पर लिख देंगे. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें. और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.